वेलकम टू माय चैनल नेबीरॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी10 बार्सिलोना लीग का आरएससीसी वर्सेस सीटीडी के बीच 2 घंटे 52 मिनट बाद। तो बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबीरॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप को ध्यान से देख लो कि आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो नीचे चलते हैं भाइयों, ये हमारा जो नाइट फुटबॉल था एंड साथ ही साथ जो प्रीवियस यूरोपियन टी10 थे मतलब यस्टरडे के। तो आज जो मैं मैच कवर करने वाला हूँ, ये मैच जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ आरसीसी वर्सेस सीटीटी, ये बहुत बड़ा जैकपॉट मैच है। मतलब आपको बताना चाहूँगा क्यों, और पूरी बात ध्यान से सुनना कि ये जैकपॉट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको बॉलर से बहुत मदद मिलने वाली है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बॉलिंग पिच पे मदद होती है ना वो हमेशा जैकपॉट मैच होता है, वो भी हमारे लिए। बात करूँ विकेट कीपर की, तो यहाँ से आपको एक प्लेयर दिख रहा होगा जिसका नाम है डी करन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। चाहता तो मैं इसके साथ ले सकता था एक और प्लेयर को जिसका नाम है एल सिंह को भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है। लेकिन अगर आपको सेफ जाना है देन उसी के साथ जाओ जो कि मैंने चुना है डी करन। बाकी और कोई यहाँ से इतना कोई खास है नहीं, टी इलियास को ट्राई कर सकते हो आप जीएल में, बाकी भाइयों नॉर्मल है। बात करूँ बैट्समैन की, तो एच जॉन शायद आज का मैच ना खेले और ये इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है, मैं आपको साफ बता दूँ। इसकी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मैंने इसको अपनी टीम में लिया। चाहता तो मैं यहाँ से एन पटेल को भी ले सकता था, लेकिन जॉन को इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इस बार ऐसी सीरीज देख रहा हूँ जो बड़े बड़े प्लेयर है वो नहीं चल रहे, जो छोटे प्लेयर है जिन पर आपको भरोसा नहीं है वो प्लेयर ज़्यादा रॉकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं प्लेयर को चुन रहा हूं। और आगे से बात करूं जे अफजल एक नॉर्मल प्लेयर है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा जे अफजल की जब बैटिंग आती है तो कम से कम ये बंदा 30 से 40 रन का खिलाड़ी है, तो यूरोपियन टी10 में 30-40 रन बहुत होते हैं। तो लेकिन अगर मैं आगे से बात करूं हमारे गोल्डन प्लेयर की आज के, जिसका नाम है डी सिंह कौर प्रीवियस मैच में रॉक करता था, रॉक नहीं कह सकते लेकिन 30-40 रन इस बंदे ने मारने ही मारने होते थे, और इसके 30-40 रन सबसे मेन होते थे। और आप मेरी बात याद रखना, ये जो आप टीम देख रहे हो ना सी टी टी में, आप एक दिन ऐसा देखोगे कि इस प्लेयर की सिलेक्शन 90% से भी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसके अलावा बैटिंग ऑप्शन इनकी टीम में कोई है ही नहीं। अफजल और डी सिंह कौर अपनी टीम के एक नॉर्मल बैट्समैन है, बाकी जो इनके स्ट्रॉन्ग है वो है बॉलर। तो बात करूँ भाइयों अब हम आ चुके हैं ऑलराउंडर्स पे, तो ऑलराउंडर से मैंने चुना आई पटेल। जैसे कि मैंने आपको बोला था ईशान पटेल कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है, आप चाहो तो इसको कैप्टन ट्राई करके देख सकते हो अपनी जीएल में, या फिर अपने वीसीबी ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में। आगे से बात करूँ मनवानी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है अपनी टीम का, मनीष मनवानी बहुत ही बढ़िया एंड 2 ओवर बॉलिंग कराता है। काफ़ी जनता जाएगी मायावंशी के साथ लोग जाएंगे मनवानी के साथ, लेकिन मैंने मायावंशी को चुना है। ये बंदा हर मैच में 2 विकेट लेता है, इसका मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, मतलब ये ऐसा बंदा है 15 मैच है तो 30 विकेट्स, 30 मैच है तो 60 विकेट्स, ऐसा प्लेयर है भाइयों ये जी। मायावंशी को ड्रॉप मत करना, गलती भी मत करना, 30% सिलेक्शन है, प्लेयर रॉकिंग है और इतना ज़बरदस्त प्लेयर आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ से यू अफताब को छोड़ दिया है, मैं बताऊँगा क्यों छोड़ा, चाहता तो मैं ले सकता था, क्रेडिट भी मेंटेन है। बाकी आप आगे से ट्राई कर सकते हो कुछ ऐसे प्लेयर जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, टीउल मजर आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, एम इकबाल को ट्राई कर सकते हो आप जीएल में, बाकी आगे से और कोई इतना खास प्लेयर नहीं है। तो यहां से एक और प्लेयर आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है ए बोरिकर, इसको आप ट्राई कर सकते हो, ये अपनी टीम से ओपनर आता है भाइयों, ओपनर। तो ओपनर मतलब आपको पता है पहले ये बॉलिंग ऑप्शन में होता था लेकिन आज ऑलराउंडर सेक्शन में है, तो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा रॉकिंग है। लेकिन मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रहा बिकॉज अभी इसकी अपडेट कोई नहीं आई कि इसने ओपनिंग आना है, पिछली बार ओपनिंग आया था, इस बार शायद ना भी आए, तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। बात करूँ बॉलर्स की, यहाँ से आप मेरे बॉलर्स देख के हैरान रह जाओगे, आप सोचोगे भाई ये क्या कर लिया, 4 बॉलर एक ही टीम के, अब इनके बारे में बताऊँगा। इस टीम में 2-2 ओवर हर बॉलर को मिलते हैं, 5 बॉलर है टोटल, अब ध्यान से सुनना। एक है जिसमें से जो एक प्लेयर है वो है भाई गुलाम सरवार को मैंने इसलिए चुना है, ये बंदा टॉप ऑर्डर की बैटिंग पे भी आता है, साथ ही साथ हर मैच में इसकी 1 से 2 विकेटें हैं। उसके बाद आगे से ये इतने एक्सपीरियंस बॉलर है ना ये दोनों, और आगे से जो प्लेयर है इसका नाम है एम काशिफ हर एक मैच में 3 विकेटें 2 विकेटें, मतलब आप खुद देखोगे, मैं बोल नहीं रहा, खुद देख लेना। और यहाँ से मैंने एक प्लेयर छोड़ दिया जिसका नाम है नवीद को लेने का कोई तुक नहीं बनता, चाहता तो मैं ले सकता था लेकिन इनके बॉलर इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आगे सुनूंगा ए अली आपका गोल्डन प्लेयर रहने वाला है। असद अली के अंदर खासियत क्या है, बाई चांस मान लो कि इसने एक भी विकेट नहीं ली और आप बोलोगे यार प्लेयर वेस्ट हो गया, लेकिन ये बंदा अपनी बैटिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट अर्न करके दे सकता है क्योंकि ये मिडल ऑर्डर बैटिंग पे आता है, मिडल ऑर्डर से पहले भी आ सकता है। और ए अली को मैं जानता हूँ, असद अली ज़बरदस्त प्लेयर है। 3 प्लेयर हमारे हो चुके हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे से बात करूँ ए मोहम्मद पहले बैटिंग ऑप्शन में होता था, आपको बता दूँ, ये अब इसको बॉलिंग में डाल दिया क्योंकि ये फर्स्ट ओवर एंड थर्ड ओवर बॉलिंग डालता है, फर्स्ट ओवर में अगर एक आधी विकेट आती है तो इसके अंडर आएगी या फिर पहला ओवर डालेगा ये वाला प्लेयर जिसका नाम है एम काशिफ आज का गोल्डन प्लेयर। 60% इसकी 76%
सिलेक्शन है और एक की तो बिल्कुल ही कम है भाइयों, 4% बिल्कुल ना के बराबर। तो भाइयों ये कुछ मेन हमारे रीजन है इसको लेने के। बात करूँ कैप्टन की तो एम काशिफ, इस पर मेरे को बहुत भरोसा है। अब मैं आपको दो कैप्टन ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है जी सरवार, एक काशिफ। दोनों में से जिसको मर्जी रख लो, दो विकटें आपके अंडर आएंगी। मतलब अगर आपको सर्वर पे रखना है आप इसको भी रख सकते हो, इसकी बैटिंग थोड़ी जल्दी आती है, काशिफ प्रॉपर बॉलर है। तो अगर आपको सेफ जाना है देन मेरे हिसाब से, अगर आपको सेफ जाना है देन आप इसके साथ जाओ, बहुत बढ़िया, इसकी बैटिंग भी जल्दी आएगी। और वाइस कैप्टन मनवानी को इसलिए रखा है क्योंकि ये भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, प्लस 2 ओवर बॉलिंग। तो मिलता हूँ भाइयों अगली वीडियो, अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।